धर्मराज जी, बिना प्रभु के संज्ञान में यदि मैंने उनकी तुरिन में मृत्यु बाण रखा तो ये अधर्म और अनुचित होगा। हनुमान, अधर्म तो तब होगा जब रावण का मृत्यु काल आने पर भी प्रभु श्री राम के हाथों से मृत्यु प्राप्त नहीं हो पाएगी। किंतु धर्मराज जी, कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। मैं तुम्हें ऐसी ही एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम धर्म और अधर्म की दुविधा से बाहर निकल सकोगे। एक समय उतथ्य नाम का एक युवक था। एक श्राप के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी और उसके परिजनों ने उसे मूर्ख कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया था। भले ही उतथ्य बुद्धिहीन है किंतु उसमें एक बहुत ही अच्छा गुण है, हनुमान। वो कभी झूठ नहीं बोलता था। एक समय महादेव शिव और नंदी ने उतथ्य के सत्य वाचन की परीक्षा लेने का निर्णय किया। महादेव ने आखेटक का रूप धारण किया एवं नंदी हिंसक शूकर बन गए और शीघ्र ही आखेटक शिव अपना धनुष बाण लिए शूकर का पीछा करने लगे। हिंसक शूकर भागते भागते उतथ्य की ओर आने लगा। भय के मारे उतथ्य के मुख से अकस्मात ही देवी आदि शक्ति का प्रथम बीज मंत्र प्रस्फुटित हुआ। हे युवक, क्या तुमने मेरे आखेट को इस ओर आते हुए देखा है? चुप क्यों हो? बताओ, उस शुकर को आखेट करके मैं अपने परिवार के लिए आज रात के भोजन का प्रबंध कर लूंगा। तुम्हें भी इसका पुण्य मिलेगा। बताओ कहां छुप गया है वो शुकर? क्या करूं मैं? सत्य बोलता हूं तो एक जीव के प्राण की हानि होगी और यदि असत्य बोलकर उस जीव की रक्षा करता हूं तो असत्य वाचन का दोष लगेगा, अधर्म होगा ये। फिर क्या किया उसने? उस दुविधा से कैसे मुक्त हुआ उतथ्य? बुद्धिहीन होकर भी उसने उचित निर्णय लिया। शुकर उस ओर गया है। उस जीव के प्राण बचाने के लिए उतथ्य ने असत्य बोला, तब तो वो अवश्य ही भोले बाबा की परीक्षा में असफल हो गया होगा। हनुमान, असत्य बोलकर भी उसने धर्म का पालन किया था। उतथ्य के झूठ बोलने से आखेटक क्रोधित हो उठा। तुमने मुझसे झूठ बोलने का दुस्साहस कैसे किया? सब तो यही कहते हैं कि तुम कभी भी असत्य वाचन नहीं करते हो। अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। हाँ, मैंने असत्य बोला है, लेकिन मेरे छोटे से असत्य ने उस निर्दोष जीव के प्राण की रक्षा की है। मेरे इस छोटे से अधर्म से एक बड़ा धर्म का कार्य हुआ है। यदि आप मुझे दंड देना चाहते हैं तो मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। ये क्या, ये शूकर यहाँ वापस क्यों आ गया?
महादेव, महेश्वरी, नंदी जी, आप सबके दर्शन से इस मूर्ख उतत्ति का जीवन धन्य हो गया। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। उठो तथ्य, भले ही तुमने मिथ्या वचन कहे किंतु कोई अधर्म नहीं हुआ है तुमसे। मेरी परीक्षा में सफल रहे तुम। मुझे दुविधा से उबार कर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु। तुम्हारा ये कृत्य संसार के समक्ष उदाहरण बनेगा कि असत्य संभाषण से यदि सबका कल्याण होता है तो वो असत्य धर्म नहीं होगा, और जिस सत्य से किसी निर्दोष का बुरा होता है वो सत्य होकर भी अधर्म कहा जाएगा। तुमने अपने असत्य से एक जीव की रक्षा करके ये सिद्ध कर दिया है उतत्ते कि बड़े उद्देश्य बड़े कार्यों के लिए यदि छोटे नियम तोड़ना भी पड़े तो वो अधर्म नहीं कहलाते। मैं मूर्ख क्या जानू माता कि क्या धर्म क्या अधर्म, मुझे जो उचित लगा मैंने वही किया। ये मूर्खता नहीं बुद्धिमानी कहलाती है उतत्ते। और यही नहीं, तुम्हारे मुख से अनायास ही मेरे प्रथम बीज मंत्र एम का प्रस्फुटन भी हुआ है। अतः मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज से तुम मूर्ख उतत्ते नहीं महामुनि उतत्ते के नाम से जाने जाओगे। मैं कृत कृत हूँ माता, आप सबको कोटि कोटि नमन। तुम्हारा कल्याण हो उतत्ते। परिस्थितियों के अनुसार ही ये निश्चित होता है कि कौन सा कार्य धर्म संगत है और कौन सा अधर्म है। अर्थात इस धरती से अधर्म एवं पाप का बोझ उतारने के लिए अधर्मी रावण का अंत होना आवश्यक है, और इसके लिए यहां से मृत्यु बाण को इस प्रकार ले जाना अधर्म नहीं है। तुम्हारा कार्य पूर्णतः धर्म संगत है हनुमान, किंतु अभी भी एक दुविधा उत्पन्न हो सकती है। अब कैसी दुविधा धर्मराज जी? वो दुविधा ये है हनुमान कि प्रभु इस बाण को चलाएंगे कहां। हनुमान, रावण को ब्रह्मदेव से आशीर्वाद स्वरूप अमृत की प्राप्ति हुई है जिसे उसने अपने नाभि स्थल में धारण किया है। उसने नाभि स्थल को इसलिए चुना क्योंकि नाभि स्थल पर वार करना युद्ध के नियमों के विपरीत है। अतः मुझे संदेह है कि प्रभु युद्ध के नियमों के विरुद्ध ये कार्य कदापि नहीं करेंगे। फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए धर्मराज जी? हनुमान, तुम्हें प्रभु के तुनीर में यह बाण तो रखना ही है, किंतु प्रभु जब बाण चलाएंगे तब तुम्हें इस बाण का लक्ष्य परिवर्तित भी करना होगा। प्रभु राम के बाण की दिशा को परिवर्तित करने का वचन देना होगा तुम्हें मुझे। भविष्य में मेरे आदेश पर तुम ऐसा करोगे। मैं अंजने हनुमान आपको वचन देता हूँ कि आपकी आज्ञा के अनुसार उचित समय आने पर मैं प्रभु राम के बाण की दिशा को परिवर्तित करूंगा। बाल्यावस्था में ऋषिवर अगस्त ने भी मुझसे यही वचन लिया था। ऋषिवर अगस्त को भी ये ज्ञात था कि ब्रह्मा जी से प्राप्त अमृत को रावण ने अपनी नाभि में छुपा कर रखा है। हनुमान, अब तो तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं है ना? जब धर्मराज ने मुझे स्वयं इस संशय से निकाल लिया, ऋषिवर अगस्त ने भी मुझसे वचन लिया, तब कैसे मैं इतने महत्वपूर्ण कार्य को करने से पीछे हट सकता हूं?
प्रभु के तुणीर में ये बाण रखूंगा। समय आने पर इसका लक्ष्य परिवर्तन भी करूंगा। अब अधर्म का नाश होगा और धर्म की विजय होगी। विजय होगी। विजय होगी। विजय होगी। मेरे मेरे प्रभु श्री राम की विजय हो। राम की विजय हो। राम की विजय हो। प्रणाम धर्मराज जी। सफल मनोरथ भव। ये क्या, ये अकस्मात ही क्या होने लगा? कहीं ये किसी बड़े अशुभ का संकेत तो नहीं है? शब्द विजय पर्याय कपीसा, बल अपार मुख तेज रवीसा, रावण दोष्ट का मृत्यु बाणा, प्राप्त किए देखो हनुमाना। रघुनंदन रावण की लड़ाई, अंत चरण हनुमत पहुँचाई, काज प्रभु के कपि किए पूरे, इनके बिना रघुराई अधूरे। ये हो क्या रहा है? इतने अपशकुन अकस्मात ही दिखाई देने लगे, कहीं कोई बड़ा अनर्थ तो नहीं? नहीं नहीं, ये सब, ये शुभ शकुन, आज मुझे बड़े ही सुख का आभास हो रहा है। अवश्य ही ये अपशकुन अनर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। प्रभु, प्रभु रक्षा करना मेरे स्वामी की। ये शुभ शकुन संकेत दे रहे हैं कि शीघ्र ही स्वामी अंत कर देंगे अधर्म का एवं अधर्मी रावण का। प्रभु, ये सत्य है कि मेरे स्वामी ने सदैव अधर्म का ही अनुकरण किया है, किंतु मैंने सदैव श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मैं अपने धर्म की दुहाई देती हूँ प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना, मेरे सौभाग्य सिंदूर को मत उजड़ने दीजिए प्रभु। मंदोदरी, अपने सुहाग की रक्षा करना चाहती हो तो सौभाग्य की समस्त सामग्री एकत्रित करो एवं उसे किसी ऐसी सौभाग्यवती पतिव्रता स्त्री को अर्पित करो जो तुमसे या हमारे परिवार से संबंधित ना हो। कहते हैं कि यदि ऐसी पतिव्रता स्त्री सौभाग्य सामग्री को स्वीकार करके सदा सौभाग्यवती रहने का आशीष दे दे तो भाग्य का लेखा भी परिवर्तित हो जाता है। अब यही एक अंतिम उपाय शेष है, अन्यथा रावण के पापों का प्रायश्चित अब मात्र उसकी मृत्यु ही है। उनकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगी, किंतु लंका की समस्त स्त्रियां तो विधवा हो चुकी हैं। सौभाग्यवती और हमारे परिवार की ना हो ऐसी कोई स्त्री तो शेष बची ही नहीं है लंका में। है, अभी भी एक स्त्री शेष है लंका में, कदाचित मेरे सौभाग्य से ही वो शेष बची होगी। कौन है वो, कहाँ है वो? अशोक वाटिका में, अर्थात देवी सीता। सौभाग्यवती एवं पतिव्रता होने के कारण
सीता सौभाग्य सामग्री को ठुकरा भी नहीं सकती। उसे तुम्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीष देना ही पड़ेगा, और चूंकि वो स्वयं देवी लक्ष्मी का अंश है, इसलिए उसके मुंह से निकला हुआ आशीष निष्फल नहीं हो सकता। किंतु सीता, मात्र सीता ही अब एक अंतिम आशा शेष है रावण के जीवन की रक्षा के लिए। अब इस राक्षस के जीवन की कोई आशा शेष नहीं है। इसकी मृत्यु का बाण प्रभु के तुणीर में पहुंच चुका है। हाँ, विभीषण जी ने बताया था इसके बारे में। भ्राता लंकेश की मृत्यु का बाण स्वयं उनके पास ही है, जिसको प्राप्त किए बिना उनका वध असंभव है। मैं जानता था कि आप कभी भी प्रभु श्री राम के काज में असफल नहीं होंगे। कुछ भी करके आप मृत्यु बाण को लाने में सफल अवश्य हो जाएंगे। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आज सूर्यास्त से पूर्व ही भैया राम इस मृत्यु बाण का प्रयोग अवश्य करेंगे। हाँ लक्ष्मण भैया, आज के सूर्यास्त के साथ ही पाप का साम्राज्य भी अस्त होने वाला है। नारायण नारायण। अब प्रभु के हर एक वार के साथ ही अधर्मी रावण अपने अंत के निकट पहुंचता जाएगा। देखना, अब प्रभु निकालेंगे रावण की मृत्यु का बाण। Ha 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 ha
पूर्णतया सतर्क हूं। ऋषिवर अगस्त को दिए हुए वचन एवं धर्मराज जी के सुझाव के अनुसार मुझे बाण का लक्ष्य परिवर्तन करना है। स्वामी का अनिष्ट नहीं होने दूंगी। देवी सीता को यह सौभाग्य सामग्री सौंपकर उनसे सौभाग्यवती होने का आशीष लेकर ही रहूंगी मैं। कितने भी कष्ट सहूंगी मैं, परंतु अपने स्वामी के जीवन पर आंच नहीं आने दूंगी। देवी मंदोदरी, उनके यहाँ आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? नारायण नारायण, यदि प्रभु के मृत्यु बाण से प्रहार करने के पूर्व ही मंदोदरी ने देवी सीता को सौभाग्य सामग्री सौंपकर उनसे सौभाग्यवती भव का आशीष प्राप्त कर लिया तो मृत्यु बाण भी प्रभावहीन हो जाएगा, रावण की मृत्यु पुनः टल जाएगी। ये बाण मेरी मृत्यु के बाण के सदृश कैसे प्रतीत हो रहा है, जिसे कुछ ही समय पूर्व मैं स्वयं अपने राजप्रसाद में देख कर आया हूं। मैंने स्वयं अपने हाथों से अभी सुरक्षित किया था, वो मेरी मृत्यु का बाण इस वनवासी के हाथों में ना अवश्य ही कोई छल है। मुझे भ्रमित कर भयभीत करना चाहता है ये वनवासी। देवी,
अनेक कष्ट उठाकर भी आपने पूर्ण निष्ठा से अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। मेरे हृदय में आपके लिए अपार श्रद्धा है। मेरा विश्वास कीजिए देवी, मैंने सदैव स्वामी के प्रत्येक अधर्म का विरोध किया है। देवी मंदोदरी, आपके प्रति मेरे हृदय में कोई द्वेष नहीं। मुझे ज्ञात है आप पूर्णतः निर्दोष हैं। देवी, एक नारी ही दूसरी नारी की पीड़ा को समझ सकती है। आज मैं एक अभागन पतिव्रता अपनी व्यथा दूर करने के लिए आपसे एक याचना करने आई हूँ। सच्चे हृदय से आपको कुछ देने और आपसे कुछ लेने आई हूँ। बस आप ये मत कहिएगा कि मेरी याचना स्वीकार करना आपके लिए असंभव है। रावण हूँ मैं, किसी भी छल और किसी भी चाल में नहीं फंसूंगा। इससे पूर्व ये वनवासी कोई चतुराई दिखाए, उसके पूर्व ही मैं अपने सबसे घातक आसुरी अस्त्र का प्रयोग करूंगा। तुम्हारे बाण मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते वनवासी, और ये तुम्हारा मिथ्या बाण मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसकी मृत्यु इसके समक्ष खड़ी है, परंतु अहंकार से ढके इसके नेत्र इसे देख नहीं पा रहे हैं। प्रतीत होता है अब ये आवरण प्रभु के हाथों इसकी मृत्यु के उपरांत ही हटेगा। देवी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक सुहागन होने के नाते आप ये सौभाग्य सामग्री अस्वीकार नहीं करेंगी, और रीति अनुसार आपको मुझे सदा सुहागन रहने का आशीष देना ही होगा। ये कैसी दुविधा में डाल दिया देवी मंदोदरी ने मुझे। मैं एक पतिव्रता सुहागन, सौभाग्य सामग्री स्वीकार करने से मना नहीं कर सकती, परंतु धर्म और अधर्म के युद्ध में मेरे स्वामी मंदोदरी के पति से ही युद्धरत हैं, इसलिए उनकी इच्छा पूर्ण भी नहीं कर सकती मैं। इधर प्रभु के हाथों से ये बाण चलेगा, उधर माता सीता के समस्त कष्टों और दुविधाओं का अंत होगा। अपने दुष्कृत्यों से धर्म का नाश करने वाले रावण, अब तुम्हारे सर्वनाश का समय है। आग, आग, आग। प्रभु इस मृत्यु के बाण से इस दुष्ट का अंत कर पृथ्वी को इसके पापाचार से मुक्त करेंगे।
नजदीक मेरी सिंदूरदानी गिर गई। यदि ये मेरी मृत्यु का बाण है भी तो ये मेरे शरीर के उचित स्थान पर लक्षित ही नहीं है। प्रभु राम के वाण की दिशा को परिवर्तित करने का वचन देना होगा तुम्हें मुझे। यही उचित समय है। नहीं बिखरने दूंगी सिंदूरदानी में संचित सिंदूर को, नहीं मिटने दूंगी अपने सुहाग की निशानी को मैं। हनुमान जी अब क्या करने जा रहे हैं? वो इस बाण को उचित दिशा देने जा रहे हैं। यदि हनुमान ने इस बाण को स्पर्श किया तो वो रावण वध में सहभागी बन जाएगी, जिससे प्रभु के एकाकी लड़ने का वचन खंडित हो जाएगा। बिना इसका स्पर्श किए इसके लक्ष्य में परिवर्तन करना होगा मुझे। युद्ध नीति में बंधे रघुराई, ना भी पर ना बाण चलाई, मृत्यु बाण श्री राम ने साधी, अंजनी सुत उड़े बाण के पाछी, हनुमत युक्ति लगाई त्वरिता, बिन स्पर्श दिशा दी तीरा, तीर दशानन नाभि। जय श्री राम। वचन अगस्त कभी किए पूरो, गाथा बाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। हनुमान जी सफल हो गए, बिना बाण को छुए ही उसकी दिशा परिवर्तित कर दी। नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी नाभि स्थल में स्थित अमृत, मुझे अमृत प्रदान करने वाला अमृत मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता।
रावण दुश्मन रहे रावण। अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट पहुंच चुकी है। अपने नेत्र खोलो और देखो रावण। अंत होगा तुम्हारा रावण। जो कुछ तुमने आज मुझसे छीना है एक दिन वो सब कुछ तुमसे भी छीन जाएगा और उस दिन समूचे राक्षस कुल के साथ तुम्हारा सर्वनाश होगा रावण। सर्वनाश होगा। यदि युद्ध हुआ तो इसकी परिणति अति भयंकर होगी। ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा कोई अपना। तुम्हारे इस दुष्कृत्य का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। पुनर्जन्म लेकर तुम्हारे ही विनाश का कारण बनूंगी। ये सीता उन्हीं वेदवती के प्रतिशोध की अग्नि है जो तुम्हें जलाकर भस्म करने आई। भस्म करने आई। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट पहुंच चुकी है। मेरे स्वामी और सेवक हनुमान के रूप में अब अंत होगा तुम्हारे पाप के साम्राज्य का। अंत होगा अधर्म का। अंत होगा तुम्हारा रावण। रावण तुम्हारे मृत्यु का भी जब समय आएगा तुम्हारा यह मृत्यु बाण स्वतः उसके पास पहुंच जाएगा जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। अंत होगा तुम्हारे मृत्यु का भी जब समय आएगा तुम्हारा यह मृत्यु बाण दुष्कृत्य का प्रतिशोध उसके पास पहुंच जाएगा जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। और अब यह वनवासी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। We'll be right back.